बसमीम् अल्लाक इस्लामी जमोर पाकिस्तान के चैप्टर का आज अच्छा हमारा दसवा लेक्चर है हम पाकिस्तान की ज़रात के बारे में पढ़ रहे थे और इस टॉपिक का हमारा आज चौथा लेक्चर होगा आज के इनमान में शामिल हैं तंबाकू चना और दालें और उसके अलावा पाकिस्तान में काश्त होने वाली कुछ मतफ़्रिक्स्तु के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तंबाकू तंबाकू एक नकद और फ़सल है जो मुल्क के कुल ज़ेर काश्त रकबे के सिर्फ़ दो हिस्से पर बोई जाती है खैबर पख्तनख्वा के इलाक़े मरदान और चारसदा यहाँ हमारे मुल्क की पैदावार का साठ फ़ीसद जो तम्बाकू है वो इन्हीं दो इलाक़ों में काश्त होती है पंजाब के इलाक़े साहिवाल ओकाड़ा विहाड़ी मुल्तान झंग और अटक में भी तंबाकू काश्त की जाती है इसके अलावा बलोचि के इलाक़े मस्तूँ लोरालाई और पश्तिन के इलाक़ों में भी तंबाकू की काश्त होती है पाकिस्तान दुनिया में तंबाकू पैदा करने वाले चंद अहम ममालिक में शुमार होता है और हमारी मुल्की पैदावार का बड़ा हिस्सा सिगरेट साजी में बतौर खाम माल और खाम हालत में हुक्का वगैरह और सुगार में इस्तेमाल होते हैं चना और दालें चना और दालों की पैदावार के हवाले से थल का इलाक़ा खासकर खुशाब, खोशाब बक्खर लिया सरगोदा और चकवाल और मियावाली और ज़िला बहावल नगर व बहावलपुर के इलाक़े सिंध में सखर सांग उमरकोट और थरपारकर के इलाक़े अहम हैं कुछ मतफरक फसलें जो पाकिस्तान में काश्त होती है उनमें जई जवार बाजरा अलसी सरसों राई मूंगफली सोयाबीन और सूरजमुखी की खसूस अहमियत हासिल है इसके साथ पंजाब में सरगोदा ज़िला ख़ास तौर पर इसकी तहसील बहलवाल तरशावा फलों किस का सबसे अहम इलाका है खजूर आम केले प्याज़ टमाटर लहसुन और दीगर फल सब्जियां भी पाकिस्तान में पैदा होती हैं वादी कोयटा वादी पेशावर वादी सवाद सेब अनार बादाम और अखरोट ख़ुबानी और दीगर खुश्क मेवाजात की पैदावार में नुमा, नुमाया मकाम रखता है तो ये था पाकिस्तान की ज़रात के बारे में इसके बाद पाकिस्तान के बारे में अगले लेक्चर्स में जो है हम मजीद पढ़ेंगे Thank you.